नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इनकम टैक्स की 24 टीमें लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत कई शहरों में गुरुवार सुबह से ही छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी सार्फा व्यापारियों के ठिकानों पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स हवाला चोरी के मामले में इनकम टैक्स की टीम ये छापेमारी कर रही है। गुरुवार सुबह लखनऊ के महानगर इलाके में इनकम टैक्स की टीम दो गाड़ियों से शहर के बड़े सार्फा व्यापारियों में एक राधा मोहन ज्वेलर्स के घर और दुकान पर पहुंची। यहां आईटी टीम ने कई किलो सोना बरामद किया है। इसका लेखा जोखा सार्फा व्यापारी के पास नहीं मिला। वहीं शहर के अन्य बड़े सार्फा व्यापारी जुगलू किशोर ज्वेलर्स, सदगुरु ज्वेलर्स, हंसनी ज्वेलर्स सहित कई सार्फा व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद हड़कंप देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स को इस सूचना मिली थी कि कई शहरों में सार्फा व्यापारी हवाला का काम कर रहे हैं, वहीं गोल्ड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के काम में लगे हुए हैं। इसके चलते गुरुवार को एक साथ कई शहरों में सार्फा व्यापारियों के यहां आईटी रेड हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि इस छापेमारी के बाद सार्फा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास जो है कई ऐसे भी लोग नजर आए जो कि अपनी दुकानें बंद करके मौके से चलते बने। तो 24 टीमें लखनऊ, कानपुर, नोएडा समेत कई शहरों में गुरुवार सुबह यानी कि आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी खासतौर पर सराफा व्यापारियों के ठिकानों पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक हवाला और टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी की जा रही है। ऐसी जानकारी मिली थी इनकम टैक्स को कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हवाला से सोना बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है और ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में कई किलो सोना बरामद आईटी टीम ने किया है। इसका लेखा जोखा सार्फा व्यापारियों के पास नहीं मिला। शहर के अन्य बड़े सार्फा व्यापारी, चाहे हम जुगलू किशोर ज्वेलर्स की बात करें, सदगुरु ज्वेलर्स की बात करें, हंसनी ज्वेलर्स की बात करें, इसके साथ ही कई ऐसी दुकानें थी जिन पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स को ये जानकारी मिली थी कि कई दिनों से ऐसा हवाला का काम सार्फा व्यापारी कर रहे हैं, गोल्ड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते गुरुवार को एक साथ कई शहरों के सार्फा व्यापारियों के यहाँ आईटी की रेड हुई है। आईटी विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से ही लखनऊ हो या कानपुर हो या नोएडा हो, कई शहरों में छापेमारी लगातार की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजकिशोर मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, वहीं कानपुर से सुनील कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे राज, अगर लखनऊ की हम बात करें तो कई ठिकानों पर यहां छापेमारी की गई है, व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से सुबह 6 बजे के आसपास इनकम टैक्स की गाड़ियां जब लखनऊ के शहर में जाने वाली शहर अमीनाबाद और महानगर के कई क्षेत्र में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं बड़ा हड़कंप मच जाता है। जिस तरीके को देखा जाए कि निधि ज्वेलर जो कि बहुत बड़े पैमाने पर सोने का व्यापार करते हैं, ऐसे में उनके घर पर, उनकी दुकानों पर छापेमारी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देती, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड इस तरीके से जब सुबह की टीमें 6 बजे टीमें पहुंचती हैं, उनके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस होते हैं वो भी पहुंचते हैं और आला अधिकारी पहुंचकर दुकानें उनकी बंद करवा देते हैं। हालांकि दुकान के खुलने का समय से पहले ही पहुंचने पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंकुश भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। वही देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में ये इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, कानपुर की बात कर ले तो कानपुर में भी छापेमारी हो रही है, दिल्ली एनसीआर में भी छापेमारी हो रही है, उसके साथ साथ कई और जिलों में भी छापेमारी चल रही है। हालांकि लोगों का कहना यह भी है कि 2000 के नोट की बंदी के बाद कहीं ना कहीं सोने का रेट जो है वो तेजी से बढ़ोतरी हुआ था, जिसके बाद कहीं ना कहीं शंका ये भी इनकम टैक्स के द्वारा जताई जा रही है कि 2000 की नोटों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में इसको लेकर भी छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक छापेमारी को लेकर जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, जिस पर कोई जवाब देही किसी अधिकारी ने नहीं दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति इस पर क्या होती है। जी ठीक है राजकिशोर, वापस लौटूंगी आपके पास। सुनील भी मेरे साथ बने हुए कानपुर से। सुनील, कानपुर में भी आईटी विभाग पहुंचा, छापेमारी की गई, कितनी दुकानों पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ बरामद हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कानपुर में लाला जुगल कुछ की बात करें या और कई संस्थाओं की बात करें, वहां पर आईटी का छापा पड़ा हुआ है और इनकम टैक्स विभाग ने सुबह 6 बजे पूरी तरीके से यहां पे चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस का भारी बलप यहां पे चारों तरफ से, जो पुलिस है पूरी चारों तरफ से देखी जा रही है और तीन संस्थानों पे छापेमारी गई है। और लाला जुगल कुछ की बात करें तो इनके कम से कम 17
जो ठिकानों पर छापामारी की गई है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। उसी के साथ में अगर बात करें कि मुन्ना जखौटिया इसमें एक नामी शामिल है, तो उनके भी यहाँ पर छापेमारी की गई है। और दूसरा एक संजीव झुंझुनवाला है, उनके यहाँ पर उनके 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो एक बड़ा संदेश देता है कि जिस तरीके से ब्लैक मनी का कारोबार चल रहा है और तमाम तरीके सोने चांदी के जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से ब्लैक मनी का काम कर रहे हैं, तो एक जो इनकम टैक्स विभाग अधिकारी हैं उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप दोनों का नजर रखिएगा, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो लखनऊ, कानपुर और दिल्ली NCR में कई जगह जो सार्फा व्यापारी है उनकी दुकानों पर IT विभाग की छापेमारी लगातार जारी है और विभाग द्वारा ये भी जानकारी दी जा रही है कि आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हुए नाव का रुख करेंगे, जहां पर IT कार्यालय से सरकारी दस्तावेज गायब हो गए हैं। विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के चलते ये दस्तावेज गायब होने का आरोप लग रहा है, जिसको लेकर पीड़ित को साल भर से उन्नाव का IT विभाग दौड़ाने में लगा हुआ है। दरअसल चुनाव में जबरदस्ती लगाई गई गाड़ियों के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लगी गाड़ी के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र IT कार्यालय से गायब है, जिसकी वजह से पीड़ित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अल्फा नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते गाड़ी की फिटनेस नहीं हो पा रही है। पीड़ित पिछले एक साल से लगातार IT कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित गाड़ी की RC को लेकर IT कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा कर चुका है। पीड़ित को एक साल से IT नाव के लापरवाह अधिकारी सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगवा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने के चलते गाड़ी घर में कैद हो गई है, जिससे कहीं आने जाने में पीड़ित को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो नाव का ये पूरा मामला है। RC हमने चुनाव में कितने दौर पे हमारे से फिटनेस कराने में आया था, तो यहाँ जमा कर ली गई थी। उसके बाद हमारी भी चुनाव ड्यूटी लगी थी, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो मैंने उनसे बताया कि मैं खुद सर्विस पे हूँ, तो बोले कि ये ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन दे दीजिए। और जो यहाँ से हमको कागज़ काट के दिया था, रसीद काट के दी थी, वो लगा के और प्लस चुनावी कागज लगा के जमा कर दीजिए और RC हम आपको निकलवा दे देते हैं। फिर उसके बाद किसी लड़के को दे दिया, वो इधर टहलाता रहा हमको। फिर हम भी जल्दी में थे, चले गए। फिर 2-3-4 बार दौड़ के यहाँ आए और साल भर से लगातार दौड़ रहे हैं, कभी 3 नंबर से वो 5 नंबर, 5 नंबर 3 नंबर, फिर उधर साल भर हो गया है, अब आप डुप्लीकेट निकलवा लीजिए। तो जब हमारी RC यहाँ जमा हुई है तो हम डुप्लीकेट क्यों लेंगे? अच्छा। और जिस कारण से हमको गाड़ी कहीं जाने में दिक्कत, पूरी छुट्टियाँ मेरी बच्चों के घर कट गई, हम कहीं जा भी नहीं पाए। तो IT कार्यालय से सरकारी दस्तावेज गायब हो चुके हैं, जिसकी शिकायत लगातार पीड़ित कर चुका है। पीड़ित का कहना है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ चक्कर कटवा रहे हैं अधिकारी, लेकिन अब तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया है, जिसको लेकर पीड़ित को साल भर से उन्नाव का IT विभाग दौड़ाने में लगा हुआ है। दरअसल बताया जा रहा है कि चुनाव में जबरदस्ती लगाई गई गाड़ियों के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लगी गाड़ी के वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र IT कार्यालय से गायब है, जिसकी वजह से पीड़ित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को नहीं बन पा रहा है। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलते गाड़ी की फिटनेस भी नहीं हो पा रही है और एक साल से सिर्फ यही चल रहा है। पीड़ित गाड़ी की RC को लेकर भी IT कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा करा चुका है। पीड़ित को एक साल से IT उन्नाव के लापरवाह अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने की वजह से गाड़ी घर में कैद हो गई है, ऐसे में पीड़ित को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विपिन शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, IT विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लग रहा है। पीड़ित कह रहा है कि वो एक साल से चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक ना तो उसे दस्तावेज मिल पाए हैं, ना ही जो काम उसने कहा था वो अधिकारी कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आज आ जाना कल आ जाना। देखिए काजोल, आपको बता दें कि उन्नाव का परिवहन विभाग है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े में बाकायदा संलिप्त हो चुका है, और इसको लेकर लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया जो है वो लगातार अभियान भी चला रहा है। हालांकि जो एक पीड़ित है, एक शख्स है, उसने आरोप लगाया है कि जो उसकी एक गाड़ी की पंजीकरण वहां जो RC होती है वो विधानसभा चुनाव में AR कार्यालय में जमा हुआ था, लेकिन तब से आज तक साल भर बीत चुका है, लेकिन जो पीड़ित है वो लगातार RTO के चक्कर लगा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार शिकायत पे शिकायत कर रहा है और RTO के चक्कर लगा रहा है। हालांकि जो विभागीय अधिकारी हैं पूरे मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं और पीड़ित को दूसरी जो RC की दूसरी कॉपी है वो निकलवाने की बात कह रहे हैं। तो सीधे तौर पे यहाँ पे ये अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह से RTO कार्यालय में जो दस्तावेज जमा होता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है, इसके बाद जो है पीड़ित को दूसरी RC निकलवाने का सलाह देते हैं, तो सीधे तौर पर RTO कार्यालय में भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पर उजागर हो रहा है। इसको लेकर न्यूज़ और इंडिया ने हाल ही में एक वीडियो दिखाया था, जिसमें 3 नंबर केबिन के अंदर जो सरकारी बाबू है उस बाबू के साथ जो दलाल है
बाहरी दलाल वो बाकायदा बंदरबांट करते नजर आए थे, सरकारी फाइलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो सीधे तौर पर जो ARTO उन्नाव है उनके संरक्षण में पूरा काला खेल चल रहा है। हालांकि जो पीड़ित है अपनी इनोवा कार की फिटनेस कराने ARTO कार्यालय पहुंचता है, उसके बाद जो है वहां जो सरकारी दस्तावेज है उसके RC जो वो गायब होते हैं। तो पूरी तरीके से सरकारी जो RC होती है, RC ना गाड़ी की जो RC होती है वो ना मिलने से तो उसको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर जो उसकी जो प्लेट होती है GPS प्लेट होती है वो नहीं करवा पा रहा है। इसको लेकर जो इनोवा कार है वो घर में कैद होकर रह गई, बाहर नहीं निकल पा रही, इससे लेकर कहीं आने जाने में काफी दिक्कतें होती है जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ARTO विभाग पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगातार लग रहा है, विभागीय अधिकारियों पर यह आरोप लग रहा है, सरकारी दस्तावेज गायब हो गए हैं। और मेरे सहयोगी विपिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विपिन, अगर लापरवाही की बात करें तो एक साल का समय हो चुका है, एक साल में अधिकारी कुछ भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये भी है कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि CDO साहब से भी बात हो पाए ताकि ये पता चल पाए कि आखिर विभाग में चल क्या रहा है। क्या मेरी बात CDO साहब से हो पा रही है? हम फोन मिला रहे हैं उन्हें लेकिन फोन वो काट रहे हैं। विपिन, CDO साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की है, तो बड़ा मुद्दा है क्योंकि एक साल से काम नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं हम बात करने की। The number you have dialed is currently busy. फोन बार बार काटा जा रहा है विपिन। देखिएगा, जो साफ तौर से आपको बता दें कि उन्नाव का जो ARTO विभाग है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े में संलिप्त हो चुका है, और लगातार जो अभियान है न्यूज डॉट इंडिया वो लगातार अभियान चला रहा है। इसको लेकर भी जिम्मेदार जो ARTO है वो पूरी एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं हम CDO साहब से बात करने की, और ARTO कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों एक साल से एक पीड़ित लगातार भटक रहा है अपने दस्तावेजों को लेकर, आरोप लग रहे हैं कि दस्तावेज गायब हो रहे हैं ARTO कार्यालय से, आखिर कहां जा रहे हैं, किसकी लापरवाही है और किसकी जवाबदेही? मेरी बात उन्नाव CDO साहब से हो रही है? मीटिंग साहब ऐसे मीटिंग चल रही ना, कब तक बात हो पाएगी मेरी? मीटिंग चलेगी 1.5 घंटे तक। डेढ़ घंटे के बाद आप मिलाना। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका। विपिन, CDO साहब से मेरी बात नहीं हो पाई है लेकिन ये कहा गया है कि CDO साहब अभी मीटिंग में है, 1.5 घंटा मीटिंग चलेगी उसके बाद बात हो पाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लापरवाही की एक हद होती है कि एक साल से दस्तावेज गायब है, इस तरह के आरोप पीड़ित लगा रहा है लेकिन पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि उन्नाव जिले के गंगा घाट रहने वाला एक शख्स जो है अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने ARTO दफ्तर पहुंचता है, जहां पर उसकी फिटनेस नहीं होती है, उसके अंदर जो पुरानी नेम प्लेट होती है वो लगी होती है, जो नई नेम प्लेट होती है जो कंपनी लगा के देती है, अब पूरी तरीके से वो प्लेट ना होने से उसकी गाड़ी की फिटनेस भी नहीं हो पा रही। तो सीधे तौर पे जिस तरह से फर्जीवाड़ा ARTO के अंदर हो रहा है, ये उन्नाव में खुलासा होना बहुत जरूरी है, ये बातें निकलकर सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। विपिन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है कि ARTO कार्यालय से जो मुख्य दस्तावेज है लोगों के वो गायब हो रहे हैं। अब इस पर किस तरह का एक्शन लिया जाता है देखना होगा। आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा चंपावत के झाड़ाकुंडी के ग्रामीणों ने कुर्सी और लकड़ी के डांडों की मदद से एक बार फिर गर्भवती महिला की जान बचाई है। गांव में सड़क सुविधा का अभाव होने के कारण डंडी कंडी के सहारे मरीजों को ले जाना पड़ता है, ये फजीहत लगातार ग्रामीण झेल रहे हैं। लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग करते आए पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव के 40 परिवार सड़क के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के झालाकुंडी गांव में ग्रामीणों ने कुर्सी और डंडी कंडी की मदद से गर्भवती महिला की जान बचाई, जिसकी खूब सराहना हो रही है। पहाड़ों में डोली ही अधिकांश गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का स्थानीय विकल्प है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधा का अभाव है, तो वहीं ग्रामीण डोली के माध्यम से मरीजों गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण आपके सामने है झालाकुंडी से, जहां ग्रामीणों ने मंगलवार को देर शाम एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलकर डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे टनकपुर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया, तब जाकर महिला की जान बच सकी। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री चंपावत को आदर्श जिला बनाने की बात करते हुए लगातार पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पहाड़ों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से लोगों को गाँव छोड़कर शहरों की ओर जाना मजबूरी बन गया है।
ग्रामीणों ने कहा कि वो बरसों से गांव में सड़क की मांग कर रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री जिले को आदर्श जिला बनवाने की बात करते हैं पर उन्हें आज भी मरीजों को डोली के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। गाँव में सड़क न होने की वजह से कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पीलीभीत के माधव टांडा थाना क्षेत्र के गांव लाहौरपुरी फुलहर में हितराम के धान की रोपाई करके प्रेमवती पत्नी राजेश कुमार निवासी दौदपुर, मुनका देवी पत्नी चेतराम निवासी महेदिया और इसके अलावा तमाम लोग धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले दिवेश कुमार ने किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू कर दी। इसमें दबंग ने लाठी डंडों से तीनों महिलाओं को जमकर पीट दिया जिसमें तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं ने माधव टांडा थाना शिकायत कराई है। पुलिस ने घायल महिलाओं को इलाज के लिए पूरनपुर सीएससी भिजवाया जहां मुनका देवी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सहारनपुर में गंगोह थाना इलाके में एक महिला ने अपने तीन बच्चों को जहर देकर खुद भी खुदकुशी कर ली। जहर खाने से दो बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है जबकि तीसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस घटना का कारण तलाशने में जुटी है। मामला गंगोह के मोहल्ला टाकान का बताया जा रहा है। पीलीभीत की पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला को अज्ञात नंबर से कई बार फोन आया जिसको लेकर महिला काफी परेशान थी। मंजुले ने महिला से अश्लील बातें की और मिलने के लिए बुलाया। महिला मंजुले से काफी परेशान हो चुकी थी जिसके बाद महिला ने मंजुले को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुलाकर चप्पलों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। किसी तरह मंजुला युवक मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह सहारनपुर दौरे पर थे। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते बीजेपी की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने सहारनपुर के अलग अलग इलाकों में अभियान के तहत सहारनपुर की जनता से संपर्क किया और केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल में हुए कामकाजों का बखान किया। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव के साथ सहारनपुर बीजेपी के मंत्री, विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद नजर आए। ऐतिहासिक कार्य हुए जिसमें एक तरफ गरीबों का कल्याण हुआ, किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई, शोषित वंचित सभी वर्गों के लिए अनेकों काम हुए हैं, कोई देश का मान सम्मान भी बढ़ाने का काम हुआ है। इन सभी उपलब्धियों को लेकर के पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक जनता के बीच में जा रहे। कानपुर में सार्फा और लेदर व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। ज्वेलर्स व्यापारी कई ठिकानों और कई प्रदेशों में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और तमाम जगहों पर छापेमारी जारी है। कानपुर में राधा पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ज्वेलर्स के नाम से प्रसिद्ध है। सार्फा व्यवसायी कानपुर के चौक सार्फा शॉप पर पहुंचे। आयकर विभाग की टीम और कानपुर फिलखाना थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पहुंचे जहां पर 17 ठिकाने बताए जा रहे हैं छापेमारी की गई है। छापेमारी में कई किलो सोना बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे सोने के माध्यम से। महोबा में तेज हवाओं के साथ 5 घंटे मूसलाधार बारिश के चलते पानी लोगों के घरों में घुस गया जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं फतेहपुर बजरिया स्थित रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर जाने से कार सहित ट्रक पानी में डूब गया जिसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। हालांकि रेलवे प्रशासन द्वारा अंडर ब्रिज में भरे पानी को मशीनों की सहायता से खाली कराया गया। वहीं आवागमन को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि ब्रिज में पानी भर जाने की वजह से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते। रेलवे प्रशासन के समस्या के निस्तारण के लिए कई बार आग्रह किया गया है मगर समस्या का समाधान न होने की वजह से लोग अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अरे सर, ये तो हर साल का रोना, हर साल का ड्रामा है ये। हर बार पानी भर जाता है, वो पानी निकाल देते हैं, बस पंप पाइप लगा के फिर भर जाता है। बता, कोई पेशेंट जैसे बेचारा कोई मरने की हालत में तो मर ही जाएगा, यहाँ तो अस्पताल तो पहुंच ही ना पाएगा, कैसे समाधान होगा? ऊपर का पुल है तो खोल ही नहीं रहे, बंद करे हैं। 50 बार कह चुके ऊपर का रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, खोलते ही नहीं है। अब कोई जबरदस्ती खोल दे तो उनके ऊपर मुकदमा ना हो जाएगा। आज क्या हुआ इस पुल में? अभी क्या हुआ? अभी देखिए, एक ट्रक फंसा हुआ, एक बोलेरो फंसा, 2-3 गाड़ी फंसी है। हैठालीगंज कस्बे के सराय रोड स्थित केपी सिंह अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर प्रसूता की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में शव रखकर हंगामा काटा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। हालांकि आपको बता दें कि जिले भर में
अस्पतालों में जो कि गलत तरीके से चल रहे हैं, वैध नहीं है, इस पे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इन अस्पतालों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। वहीं आशाओं ने भी इन प्राइवेट रूप से संचालित अस्पतालों को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। बताया जा रहा है कि जयथा थाना क्षेत्र के कुल्हापुर बुजुर्ग गांव की प्रसूता सूरत देवी पत्नी अर्जुन सिंह को गांव की आशा ने केपी सिंह अस्पताल में लाकर भर्ती कराया, जहां अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर से प्रसूता का ऑपरेशन करने की सलाह दी। डॉक्टर्स की बात मानकर परिजनों ने बताते हुए कहा कि उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए थे। प्रसूता के पति अर्जुन सिंह ने अस्पताल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव की आशा की बात मानकर अपनी पत्नी को अलीगंज कस्बा स्थित केपी सिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर्स ने लापरवाही से इलाज करते हुए ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी की हालत बिगड़ गई, लेकिन उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बाराबंकी के कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के बेटा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक सप्ताह पहले एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप पीड़िता के परिजनों ने पड़ोसी के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा तो पंजीकृत करके परिजनों से सुलह समझौते के लिए दबाव बनाया गया था। उसी से हाथ होकर संदिग्ध परिस्थिति में युवती के घर में सुबह फांसी के फंदे पर शव लटकता देखा तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिनटों में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और प्रधान की सूचना पर पुलिस ने वहां जाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। झांसी के मऊरानीपुर टाउन एरिया रानीपुर की नगर पंचायत में सुखनई नदी पर चेक डैम बनवाया गया, जिसमें गेटपाल आज भी बरसात में टूट गया। आखिरकार सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही की जा रही है। वजह है कि पहली बरसात में चेक डैम ध्वस्त हो गया है, जांच कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। सुखनई नदी के ऊपर जो अभी जो गेट लगाया गया है वो पहले पानी में टूट गया है, वो इतना कमजोर बनाया गया है, ठेकेदार में रुपया पैसा भी खा गए हैं और पहले पानी में ध्वस्त हो गया है वो, और इसके गेट से टूटने से जो पानी का भराव रहता है वो अब नहीं होगा, इसलिए कि वो पानी जो है गांव वालों को अब नहीं मिलेगा, गेट इतना कमजोर बनाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।